मुंबई करों से तीन गुना ज्यादा वसूल रही है रेलवे। एसी लोकल का बेस स्लैब 3.5 रुपए प्रति किलोमीटर। सुविधाओं में लोकल से कई गुना बेहतर वंदे मेट्रो। एसी लोकल का किराया नमो भारत रैपिड रेल से बहुत ज्यादा। बेस किराया स्लैब 1.2 रुपए प्रति किलोमीटर। मुंबई लोकल में अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए होंगे अलग से दो कोच। रेलवे ने किया बड़ा फैसला। महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान अब तक 21 लोगों की मौत। परिजनों में छाया मातम। मुंबई करों का अक्टूबर हीट से मिल सकती है राहत। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ला नीना यदि सेट होता है तो अक्टूबर में भी बारिश रहेगी जारी। लॉरेंस बिश्नोई को भेजू क्या सलमान खान के पिता को मिली धमकी। बुरके में स्कूटी से आई थी महिला। भारी वाहनों की असमय आवाजाही जारी। मुंबई नासिक हाईवे मुंबरा बाईपास पर भीड़। मुंबई पुणे यात्रा होगी सुगम। अटल सेतु एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। सिर्फ दो घंटे में पहुंचेंगे पुणे। वन नेशन वन इलेक्शन पर राज ठाकरे ने सरकार से पूछे कड़े सवाल। कहा पहले नगर निकाय के चुनाव कराएं। गणेशोत्सव में लगाए गए 14,000 से ज्यादा विज्ञापन बैनर हटाए गए। जम्मू कश्मीर को वापस से राज्य का दर्जा मिलेगा। पीएम मोदी ने श्रीनगर में किया वादा। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे राजनीति में रखने जा रहे कदम। कांग्रेस वर्सोवा सीट से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव का फैसला स्वागत योग्य। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया बयान। सिंगर हिमेश रेशमिया के पिता का मुंबई के अस्पताल में हुआ निधन। धारावी में गर्दन पर चाकू रखकर पड़ोस में रहने वाले दादा ने नाबालिग लड़की का किया यौन उत्पीड़न। पुणे में वर्कलोड से 26 साल के सीए की हुई मौत। लड़की की मां का बॉस को लिखा पत्र कर देगा भावुक। महाराष्ट्र के अकोला में गणेश विसर्जन पर पथराव। 68 लोग हिरासत में। पुलिसकर्मी भी हुए घायल। हरियाणा में भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे प्रतिमा 2100 रुपए। मुंबई में सोना चांदी के दामों में गिरावट। सोना 74,450 रुपए तोला तो वहीं चांदी 91,000 रुपए किलो। मुंबई के साइन ब्रिज पर दो गाड़ियों के बीच टक्कर। दो लोगों की मौत। तीन गंभीर रूप से घायल।